वाली थी। Now, in this session, we will be continuing with the chapter Seeds and Seeds. This is part 4 of the chapter, 5 Seeds and Seeds. On page number 48 of your textbook, there is a question. There is a question, which seeds could have traveled? आपने जो लिस्ट बनाई थी डिफरेंट सीड्स की, उनमें से कौन से सीड्स ऐसे हैं दैट कुड हैव ट्रैवल्ड बाय फ्लाइंग, यानी वो हवा में बहते हुए आ गए हो, तो वही सीड्स हवा में बहते हुए आएंगे जो सीड्स बहुत ही ज्यादा लाइट होंगे। अब आपने देखा है बलून है, बलून को हवा में, अगर आप बलून को छोड़ दोगे तो वो हवा में ऊपर चला जाता है, क्यों? क्योंकि वो लाइट होता है। तो कोई भी चीज लाइट होगी तभी वो हवा से उड़ती हुई उसके साथ में बहेगी। नाउ और भी कुछ फ्लावर्स के एग्जांपल्स, नाउ प्लीज राइट दिस इन योर क्लासबुक नोटबुक। प्लीज राइट दिस क्वेश्चन इन योर क्लासबुक नोटबुक। Can you name some flowers whose seeds travel? Mom, इसको textbook में लिखना है क्या? जब ये सूख जाता है इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो बच जाते हैं, तो वो इस तरह से हवा में उड़ते हैं। और आप ये पिक्चर देख सकते हो, कैन यू सी दिस पिक्चर? नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी दैट दिस इज अ फ्लावर, दिस इज द, ये क्या है, बंद है बच्चे, जैसा ये सूखता जाता है मैच्योर होता है तो ये इस तरह से खुल जाता है, ये इस तरह से खुल जाएगा और इसके जो सीड्स है वो इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। कैन यू सी द व्हाइट पोर्शन? यस मैम। तो पोर्शन के साथ येलो बड के साथ में ही एक व्हाइट पोर्शन है, राइट? यस मैम। यही जो येलो फ्लावर है यही फूट जाता है, यही क्या करेगा, बर्स्ट ओपन हो जाएगा और इसके सीड्स जो है
इस तरह से अटके रह जाएंगे। तो जैसे ही हवा बहेगी ये सीज भी हवा के साथ में ट्रैवल करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। ये कौन सा प्लांट है? दिस इज वार्निंग स्वैन प्लांट। दिस इज स्वैन प्लांट। वाओ मैम। कैन यू सी दिस? हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। कैन यू सी दिस? वाओ मैम। दिस इज कॉटन ट्री। मैम दिस इज कॉटन ट्री। बहुत ना। Oh man. It's all amazing to look at this flower. To look at this yes, tree. This is so beautiful. Yes, this is like a snow. This is like a snow. Snow. On the tree. Relax. Ratmesh, what is the name of the tree? Buttonwood plant. Yes. अगर आप इस पिक्चर को क्लियरली देखते हो तो ये जो सीड्स है, can you see? Yes ma'am. Look at picture number two. The seed cannot fly, but it can still travel by sticking onto the fur of animals. Inside. काफी बार ऐसा होता है कि सीड्स काफी लाइट नहीं होते, okay? तो क्या होता है कि वो दूसरे मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। वो दूसरे मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। और क्या हो सकता है? अगर एयर उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसा हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं उनके आसपास, एट टाइम्स आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप ग्रास में खेलने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ ग्रास के जो प्लांट्स होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं, वो आपके कपड़ों में लग जाते हैं। इट हैपेंस राइट व्हेन यू आर व्हेन यू गो टू प्ले गो फॉर प्लेइंग यू कैन सी मेनी थॉर्न्स दैट आर स्टिकिंग टू योर पैंट। So these seeds, the seeds which do not travel by air, they can travel by sticking onto the clothes of us, or they can stick to the fur of the animals. जरूरी नहीं है ना गार्डन में हम ही घूमने के लिए जाएं। Animals भी तो जा सकते हैं। Dogs can go, cats you can take, cats for walk. Yes. Now we will read the story about the Velcro. How Velcro came to George Menstrel. Sorry, George Menstrel. How he succeeded in inventing this item called Velcro. तो इसकी जो inspiration थी वो इनको इसी तरह से मिली। तो इसकी story है, let us read that story. This happened in 1948. One day, George Menstrel came back from a walk with his dog. He was amazed to find his and his dog. तो क्या हुआ? एक walk पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके coat पे उन्होंने देखा कि डॉग के फर पे और उनकी डॉग के फर पे और उनकी क्लोथ्स पे there were certain seeds sticking. He wondered what made them stick. So उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन सारी सीड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो जब उन्होंने उन सीड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आया। जो सीड होगा उसके ऊपर तो उन्होंने देखा कि उन सीड्स के ऊपर टाइनी हुक्स थे। ना उन टाइनी हुक्स की वजह से ही बच्चे क्या हुआ कि वो जो सीड्स थे दे गॉट स्टक ऑन टू द पैंट एंड द क्लोथ्स ऑफ द दे गॉट स्टक ऑन द क्लोथ्स ऑफ द क्लोथ्स ऑफ जॉर्ज एंड द फर ऑफ द डॉग। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सिमिलर मटेरियल बनाया व्हिच वाज वेरी सिमिलर टू द हुक्स ऑफ द सीड्स, जिसका नाम उन्होंने दिया वेलक्रो। तो वेलक्रो का क्या काम होता है बच्चे? वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग्स, क्लोथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मेनी मोर। ठीक है,
Now please come to page number 49, children. Please come to page number 49. Yes. Below and guess how the seeds travel and reach different places. So, bache, ye picture aap clearly dekh sakte ho. Can you see picture very clearly? In yes, the ma'am. Squirrel is carrying the seed. Second picture, it's the parrot which is carrying the seed. And in the third picture, it is the seed floating on the water. Okay. So, there's a question. Look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different places. So, हम वहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है done ma'am done ma'am Done, ma'am.
मैम नन मैम डन डन मैम मैम डन मैम 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 आपका माइक टूट है। मैम योर माइक इज म्यूट। मैम योर माइक इज म्यूटेड। डन मैम आपका माइक म्यूट है। मैम आपका माइक म्यूट है। यस मैम। यस मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम आपका माइक म्यूट है। इट इज माइक म्यूट है। मैम आपको माइक म्यूट है। मैम मैडम को ढूंढिए आप चुप हो जाओ। चिल्ड्रन प्लीज टेल मी हाउ डिड योर एग्जाम गो इन द कमेंट सेक्शन। हाउ वाज द पेपर टुडे? अभी खत्म होने वाला है क्योंकि अब बज गया है। गुड। Ashita says it was very easy. Was it easy? Was it easy for everyone? Yes, thank ma'am. You. This gives me a sigh of relief. Yes, ma'am. Super. Very good. Very easy paper. Okay. Thank you, children. Have a great day ahead. Bye, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, ma'am.